दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि लोग प्यार करते हैं या किसी लड़के लड़की के साथ पहली डेट पर जाते हैं या जाती हैं तो कई एक गलतियां करते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है, क्योंकि प्यार धोखे में बदल चुका होता है और पहली डेट पर ही सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि पहली डेट ही अंतिम डेट बनकर रह जाती है। बाद में सिर्फ एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रह जाते हैं या रह जाती हैं। चलो बहुत ही दिलचस्प बातें व ट्रिक्स बताते हैं। दोस्तों वीडियो देखकर आप सोच विचार में खो जाएं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मनचाही हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो आसानी से बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। सबसे पहले डेट की बात करते हैं। दोस्तों ये जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन जानकारियों के अभाव में प्यार धोखा में बदल जाता है और पहली डेट आखिरी डेट बनकर रह जाती है। पहली डेट के लिए हमेशा चहल पहल वाले स्थान को ही प्राथमिकता दें। इससे आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति अच्छी छवि बनेगी और यह सुरक्षा की दृष्टि से भी सही रहेगा। सेकंड नंबर, कभी भी अपनी पहली डेट पर खाली हाथ ना जाएं। गिफ्ट और जरूरत के सामान को अवश्य लेकर जाएं, लेकिन एक चीज याद रखें कि लगेज संतुलित होना चाहिए। थर्ड नंबर, अपनी कार हो तो ले जाएं या फिर रेंट पर कार कर लें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों की गाड़ी से भूल कर भी ना जाएं, नहीं तो बाद में आपको ताने और पछतावा ही मिलेगा और आपकी पार्टनर के सामने आपका रुतबा कम हो जाएगा, आपकी अहमियत कम हो जाएगी, आपको आत्मग्लान महसूस हो सकती है। फोर्थ नंबर, बातचीत में हमेशा बैलेंस बनाए रखें। पहली डेट पर यदि सब कुछ आप दोनों के बीच पहले से ही होता चला आ रहा है या हो रहा है तो ठीक है, या दोनों सहमत हैं तो सही है। बिना अपनी पार्टनर या बिना अपने पार्टनर का विचार जाने उससे डीप डिमांड ना करें, नहीं तो वह समझेगी कि आप सिर्फ भूखे और आपका इरादा नेक नहीं है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। फिफ्थ नंबर, आप जो हैं वही बने रहें। ओवर एक्टिंग व दिखावे की कोशिश ना करें। ज्यादा जानकार बनने की कोशिश ना करें कि मुझे बहुत कुछ पता है और मैं बहुत कुछ जानता हूं, यानी कि आपको नॉर्मल ही रहना है। सिक्स नंबर, अगर डेट आपने प्लान की है तो अपने पार्टनर को ही ऑर्डर करने दें। अपनी पसंद वहां ना गिनाने लगे और अपनी पसंद से ही सब कुछ ऑर्डर ना करने लगें, उसे भी कुछ करने दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे ही करने दें। सेवन नंबर, खाना खाते समय टेबल पर मैनर्स को अवश्य फॉलो करें। एट्थ नंबर, बात करते समय बैठते समय बॉडी लैंग्वेज का ध्यान अवश्य रखें, ओवर एक्टिंग भूल कर भी ना करें। अब बात करते हैं प्यार की। प्यार एक बेहद सुखद और सुकून देने वाला एहसास होता है। प्यार हो जाने के बाद कुछ बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, नहीं तो कुछ ही दिनों में आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। नंबर वन, आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने समझे परखें, उनकी आदतें स्वभाव उनकी इच्छाएं पसंद आदि के बारे में जान लें, इसके बाद ही प्यार में डूबें। यहां तक कि एक दूसरे के बारे में उनकी बुरी और अच्छी आदतों और चरित्र के बारे में भी सोच विचार कर काफी जानकारी एकत्रित कर लें। सेकंड नंबर, एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान करें, अपने आप को बड़ा ना समझें। आप दोनों का प्यार कैसा है, आप और आपका पार्टनर प्यार में क्या चाहता है, आप दोनों की क्या हद है, क्या आप जो करने की इच्छा रखते हैं या रखती हैं आपका पार्टनर करने के लिए तैयार है भी या नहीं, आप एक दूसरे का साथ किस हद तक निभा सकते हैं, पार्टनर का प्यार प्यार ही है या स्वार्थ दिखावा भूख इच्छाओं की आवश्यकता या आवश्यकताओं की पूर्ति। फोर्थ नंबर, यदि कहीं आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर मनी माइंडेड है
तो आप क्या चाहते हैं? क्या ऐसे इंसान के साथ आप प्यार निभा पाएंगे? ये कुछ जानकारियां आपको पहले प्यार में अवश्य कर लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि प्यार हो जाता है कि या नहीं जाता, ये सच है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि आप कभी गलत कह ही नहीं सकते। किंतु डूबने से पहले बता रहा हूं, आपका आकर्षण है, आप चाहने लगे हैं, अलग बात है, क्योंकि इस स्टेज से वापस लौटा भी जा सकता है। किंतु जब आप प्यार में डूब जाते हैं और इसके बाद उसके बारे में आपको कुछ गलत बातें पता चलती हैं, तो आप लौट भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते, यानी कि छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपको घुट घुट कर जीना होता है, क्योंकि आप उसके बिना अपने आप को अधूरा पाते हैं, छोड़ नहीं पाते, यादें पीछा नहीं छोड़ती, उससे बात किए बिना, मिले बिना आपको चैन नहीं पड़ता, और जब मिलते हैं तो वही बातें याद आ जाती हैं जो उसने गलतियां की होती हैं, तो उससे नफरत जैसी होने लगती है, यही समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसलिए इन चीज़ों का जान लेना अति आवश्यक है।